ये समझाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए आपको कि बेटी की क्या महत्व है, क्योंकि हम लोग सब बेटियां हैं और मेरे हिसाब से हमारे बिना ना तो हमारा घर चल सकता, ना हमारा देश चल सकता, ना ही दुनिया चल सकती। और आज सुबह सुबह किसी ने मैसेज भेजा कि बेटी नहीं बचाओगे तो अष्टमी कैसे मनाओगे, और वही मैं लेकर अपने दिमाग में चल रही थी कि हम लोग छोटी छोटी चीजों में नहीं सोचते हैं। लेकिन जो मेन परेशानी है कि हम क्यों बार बार कह रहे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसमें ज्यादातर हम सोचते हैं कि भाई हमारा औरतों का क्या रोल है, क्योंकि हर चीज घर में आदमी डिसाइड करते हैं या बड़े लोग डिसाइड करते हैं। तो औरतें जो हैं वो अगर पढ़ी लिखी हैं और वो अपनी अगर पढ़ाई इस्तेमाल नहीं कर रही हैं और वो अगर जोर से नहीं घर पे अपना दायित्व कर रही हैं तो उनकी पढ़ाई लिखाई का कोई वैल्यू नहीं। कल अगर मुझे कोई कहे आके कि हाँ भाई आप ऐसे करिए और जो मुझे गलत लग रहा है, तो मेरे फिर पढ़ने लिखने का क्या फायदा हुआ अगर मैं किसी को ये ना समझा पाऊँ कि आप ये जो भी कर रहे हैं वो गलत है। पर हम क्यों नहीं कर पाते हैं, क्योंकि एक तो ये कि हम अपने आप को ऐसा समझते नहीं है, हम समझते हैं कि हम कमजोर हैं, हम दूसरे लोगों के ऊपर डिपेंडेंट हैं। तो वो जो सोच है वो हमें सबको अपनी बदलनी पड़ेगी। और